देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में गायत्री शक्ति पीठ, सिद्धार्थनगर के तत्वाधान में महिला दिवस के अवसर पर नशे को रोकने के लिए सभी ने हाथों में बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया, जिससे समाज में नशे के कारण हो रही बुराइयों को अपने माध्यम से जागरूक किया गया। नशे के कारण परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई व परवरिश भी ठीक से नहीं हो पाती। समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए यह अभियान अभी और भी आगे बढ़ाया जाएगा, जो अगले महीने लखनऊ में जाकर किया जाएगा, जिससे समाज को प्रेरित करके फैली बुराइयों को खत्म किया जा सके। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। आज सिद्धार्थनगर के अखिल गायत्री विश्व परिवार की तरफ से यहाँ पे एक रैली निकली, जिसके द्वारा हमने जो है आबकारी नीति के परिवर्तन हेतु मुख्यमंत्री तक ये ज्ञापन पहुंचाने की कोशिश की है कि इस उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए। इस समय हम एक रंगमंच के माध्यम से केवल नशा मुक्ति अभियान पर एकांकी नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हमारा जो है वो पूरे भारत को, न कि उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि अपितु पूरे भारत को नशा मुक्त बनाना है। और गायत्री परिवार एक सशक्ति आंदोलन चल रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम चंद शब्दों में अपनी बात रखें। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन, व्यसन मुक्ति, हरितमा संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण सहित 7 आंदोलन गायत्री परिवार चला रहा है, समाज को नई दिशा देने के लिए, राष्ट्र के सांस्कृतिक नवोन्मेष के लिए। उसी क्रम में आज का गायत्री परिवार का युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश ने यह संकल्प ले रखा है कि व्यसन से होने वाली जो जनधन की हाल होती है उसे हम रोकेंगे और नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। नशा मुक्त हो उत्तर प्रदेश, तभी वो उत्तम प्रदेश बन सकेगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। देख रही है क्राइम स्टोरी।